हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। गिटार लेजेंड के एक और फ्रेश न्यू एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और आज के लेसन में हम लोग मोस्ट ट्रेंडिंग हरियाणवी सॉन्ग तेरी आख्या कहो काजल सॉन्ग का टैब लेसन करेंगे, और वो भी एक सिंगल ई स्ट्रिंग में, ओके, जो कि सपना चौधरी जी का गाना है। गाइस, बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है ये गाना, और आज हम लोग इस सॉन्ग का टैब लेसन करेंगे, वो भी एक सिंगल स्ट्रिंग में, ओके। सो गाइस, इस गाने को पूरा सीखने के लिए गिटार में इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। सो गाइस, यहाँ पे हमें सबसे पहले फिफ्थ फ्रेट से प्ले करना स्टार्ट करना है, ओके। देन उसके बाद हमें सेवन फ्रेट पे प्ले करना है, देन हमें सेवन फ्रेट से एक स्टेप आगे एट फ्रेट तक स्लाइड करना है। सो देन हमें बैक टू सेवन फ्रेट आना है फिर से, देन फिफ्थ फ्रेट, ओके। सो देन हमें अगेन सेवन फ्रेट पे आना है गाइस, एंड सेवन फ्रेट से हमें अगेन स्लाइड करना है एक स्टेप आगे एट फ्रेट तक, एंड देन हमें सेवन फ्रेट पे ये लाइन खत्म करना है, ओके। सो ये कंप्लीट लाइन को जिस तरीके का प्ले होगा, ओके, आप अपने पूरे सारे के सारे फिंगर्स को यूज करो गाइस, इन चारों फिंगर्स को। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, इजी करने के लिए एक फिंगर से प्ले कर रहा हूं, आप लोग एक फिंगर से प्ले मत करो, सारे के सारे फिंगर्स को यूज करो, ओके। और आप जब प्लगिंग करोगे तब आप अल्टरनेट प्लग करो, ओके, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ना कि आपको सिर्फ ऊपर से प्लग करते रहना है, ना कि आपको सिर्फ नीचे से प्लग करना है, आपको अल्टरनेट प्लग करना है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ओके। पहले मैं भी नहीं जानता था गाइस, जब मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा था सीखना तब, और फिर बाद में जब मुझे पता चला कि अल्टरनेट प्लग करना होता है, तब मैंने अल्टरनेट प्लग करना शुरू किया, ओके। सो आप लोग भी स्टार्टिंग से ही अल्टरनेट प्लग करो, ओके। सो ये सबसे पहला लाइन गाइस, तेरी आंखें क्या है काजल, और उसके बाद सेकंड लाइन, मन ने करे से गोरी घायल, ये कुछ इस तरह का सुनिए गाइस, ओके। सो यहां पे क्या हो रहा है गाइस, सेम का सेम प्ले हो रहा है जैसे हम लोगों ने फर्स्ट लाइन में प्ले किया था, ओके। लेकिन इस बार हमें 7 फ्रेट से 8 फ्रेट तक स्लाइड नहीं करना है, स्लाइडिंग की जगह पे हमें हैमर करना है, ओके, दो बार। सो 5 7, देन 7 फ्रेट से हैमर करना है 8 फ्रेट तक दो बार, देन हैमर करने के बाद फिर से 7 फ्रेट पे प्ले करना है गाइस, देन 5th फ्रेट, देन 7 फ्रेट, देन 7 फ्रेट से स्लाइड करना है 8 फ्रेट तक, then back to 7th fret. So okay, अगर आप हैमर करोगे दो बार तो फिर यह ज्यादा अच्छा सुनेगा, ज्यादा सिमिलर सुनेगा लिरिक्स के साथ, ओके, okay? या फिर आप स्लाइडिंग भी कर सकते हो अगर आपको हैमर करने में प्रॉब्लम आता है, ओके, okay? सो मन ने करे से गोरी घायल, ये लाइन भी हो गया गाइस, काफी इजी था। अभी आपको इन दोनों लाइन को एक साथ एक फ्लो में प्ले करना है, ओके, और इस लाइन को हमें दो बार प्ले करना है, एज अकॉर्डिंग टू लिरिक्स हमें दो बार प्ले करना है, ओके। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अभी सेकेंड लाइन की तरफ, मन ने पल 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 तरपावे से, याद तेरी तरफ पावर से, ओके। सो ये कुछ इस तरह का प्ले होगा गाइस, 12th फ्रेट से हमें स्टार्ट करना है प्ले करना, यहां पे हमें चार बार प्ले कर लेना है 12th फ्रेट पे, देन उसके बाद हमें 13th फ्रेट पे प्ले करना है गाइस, 13 12 13 12, ओके, एज अकॉर्डिंग टू लिरिक्स। अगर आपने इस गाने को पूरा सुना है गाइस, तो फिर आप चुटकियों में प्ले करना सीख जाओगे, ओके, देन उसके बाद 10th फ्रेट पे आना है हमें,
ओके टेन फ्रेट, देन उसके बाद टेन फ्रेट से हमें ट्वेल्व फ्रेट तक हैमर भी करना होगा गाइज एक बार, ओके ओके देन 10 फ्रेट से 12 फ्रेट तक हैमर करने के बाद हमें प्ले करना है 8 फ्रेट पे, देन 8 फ्रेट से हमें एक स्टेप आगे 7 फ्रेट पे आना है, सो सेवन फ्रेट पे प्ले करने के बाद हमें सेवन फ्रेट से टेन फ्रेट तक स्लाइड करना है गाइस एज अकॉर्डिंग टू लिरिक्स मन्ने पल 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 याद तेरी तरपावे से, ओके ओके फिर इसके बाद जो हाई लगता है गाने में जो है हाई उसको भी आप प्ले कर सकते हो गाइस, आपको सिंपली 7th फ्रेट 5th फ्रेट एंड 3rd फ्रेट पे प्ले करना है, ओके एक सीक्वेंस में आपको ऊपर की तरफ जाना है 7 5 3, सो ये कंप्लीट लाइन कुछ इस तरह का प्ले होगा गाइस। ओके तो यहां पे जो हम लोग पीछे प्ले कर रहे हैं एकदम आखिर में 7 5 3 7 5 3, आप इसको प्ले भी कर सकते हो अपने हिसाब से या फिर आप नहीं भी प्ले कर सकते हो, ये कंप्लीट आपका चॉइस है, ओके देन उसके बाद हमें प्ले करना है 8 फ्रेट से, ओके यहां पे हमें 8 फ्रेट पे चार बार प्ले करना है, देन उसके बाद हमें प्ले करना है 10 फ्रेट पे, ओके देन उसके बाद हमें 10 फ्रेट से स्लाइड करना है गाइस 12 फ्रेट तक, सो देन उसके बाद 12 फ्रेट से हमें 7 फ्रेट की तरफ बढ़ना है, ओके देन उसके बाद 7 फ्रेट से एक स्टेप आगे 8 फ्रेट पे प्ले करना है गाइस, देन बैक टू 7 फ्रेट, देन उसके बाद 5 फ्रेट पे खत्म करना है, सो ये लाइन कुछ इस तरीके का प्ले होगा गाइस। एक बार और देन इसके बाद फिर से अगेन तेरी आँखिया का गजल फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ओके ओके ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा ये वाला लाइन गाइस। सो ये सिर्फ इस गाने का कोरस है गाइस, इसका वर्स भी है इस गाने का, और इस लेसन में आपको इसका सिर्फ कोरस ही सिखा रहा हूँ, आपको वर्स नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर वर्स को भी सिखाने जाऊंगा तो फिर ये लेसन काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा गाइस, और साथ ही साथ आप लोग कंफ्यूज भी हो जाओगे, ओके और अगर आपको इस गाने का वर्स सेक्शन का भी टैप्स चाहिए गाइस तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपको वर्स सेक्शन का भी टैप्स निकाल के दूंगा, ओके और सबसे पहले आप अभी इस कोरस पार्ट को सीख लो, ओके सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप कि मेरा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा गाइस, और अगर मेरा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा तो फिर आप लाइक बटन में हिट कर देना, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक, और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर आज आप नए आए हो गाइस घूमते फिरते तो फिर आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साइड में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, उसमें प्रेस करने के बाद आपको मेरे हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन रेगुलरली टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।